आज देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगावर कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मोठ्या प्रमाणावर संकट निर्माण झाले आहे। तसेच सर्व नागरिक यांना सुरक्षिततेसाठी घरीच व सुरक्षित राहण्याचे आवाहन केले आहे। मुस्लिम बांधवांचा रमजान ईद हा सण दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो, मात्र शासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संचारबंदी 31 मेपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केले आहे। कोरोना पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून सर्व मुस्लिम बांधवांनी रमजान ईद नमाज पठण आपापल्या घरीच करून पवित्र रमजान ईद हा सण साजरा करावा, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक डॉक्टर आरती सिंग यांच्याकडून करण्यात आले आहे। यावेळी त्यांनी रूट मार्चचे आयोजन देखील करण्यात आले होते। स्काय महाराष्ट्र न्यूज, योगेश गोसावी, नाशिक। मालेगाव की आवाम को रमजान की और ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाइयाँ। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश आज एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही लॉकडाउन फोर्स का जो आदेश निकाला है, उसमें किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पे जाने की पाबंदी है। इसलिए मैं मालेगांव की आवाम को पुलिस विभाग की तरफ से जो केंद्र शासन और राज्य शासन का आदेश आया है उसको पूरी तरह से निभाने के लिए हमारा साथ दें, ये मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन प्लीज़ इसको घर में रह के ही मनाए।